नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को भारतीय जनतंत्र मोर्चा अंत्योदय दिवस के रूप में मनाएगी। प्रेस वार्ता आयोजित कर सुबोध श्रीवास्तव ने पत्रकारों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 25 सितंबर को साक्षी स्थित ढालभूम क्लब में पूरे सम्मान के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हुए मोर्चा सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके तहत मोर्चा के संस्थापक सरयू राय के सुशासन, भ्रष्टाचार विरोधी एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विचार से समर्थित लोगों को भारतीय जनतंत्र मोर्चा का सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सदस्यता अभियान और समारोह में जिले के 23 मंडल के कार्यकर्ता और सदस्य इसमें भाग लेंगे। आज तो संवाददाता सम्मेलन रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कल 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती समारोह, उसको भारतीय जनतंत्र मोर्चा अंत्योदय दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह कार्यक्रम ढालभूम क्लब साक्षी में झंडोत्तोलन के साथ शुभारंभ होगा। हमारे नेता आदरणीय सरयू राय, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते रहे हैं, जिनकी सोच अलग है, वो कई मुख्यमंत्रियों को जेल भी भेज चुके हैं, आने वाला कल भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक नई कार्य संस्कृति स्थापित करेगी। उस कार्य संस्कृति को अपनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मंत्र को हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे तमाम युवा कार्यकर्ता उसी धर्रे में ढल रहे हैं। हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ पारदर्शिता, शुचिता और सुशासन को कायम रखते हुए एक नई कार्य संस्कृति को हम लोग डेवलप करेंगे। हमारे दो प्रमुख कार्यकर्ता जिनको जिम्मेवारी दी गई, हमारे जिला के महामंत्री और जिला सदस्यता प्रभारी आदरणीय मनोज सिंह उज्जैन जी और हमारे जिला के मंत्री आदरणीय राजेश झा जी, जो जिला के सह सदस्यता प्रभारी हैं, दोनों के नेतृत्व में हम सदस्यता अभियान का वहाँ शुभारम्भ करने वाले हैं। वहाँ 15 टेबल लगेंगे, 23 मंडलों के कार्यकर्ता आएंगे, कोटका से लेकर के जुसराई ग्रामीण क्षेत्र के भी कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। और सदस्य हम वैसे लोगों को बनाना चाहते हैं जिनकी छवि ठीक हो, जो सुशासन, जो हमारे नैतिकता और अलग कार्य संस्कृति में जो समान विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हों। हमने कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है और धीरे धीरे हम इस कार्य संस्कृति को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि राजनीति में जो शुचिता का जो वातावरण थम सा गया है, जो एक होड़ सी लग गई है लूटने खसोटने की, उन व्यवस्थाओं को विराम लगाने के लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा पूरी तन्मयता, पूरी क्षमता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।